ये देखना उस पन्नी में डालेंगे, वो डाल लिया। एक एक बोरी से ने इतना इतना सैंपल लेंगे दोस्तों। सच्ची में ना सांस उठने लग गया मेरा तो दोस्तों। एक एक बोरा कर करके ले रहे सैंपल, और आपके भाई की हालत देख लो बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। अब भी आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, तो फिर कोई मर्दानगी से मतलब नहीं है। अब दोनों गाड़ी का सैंपल फेल हो गया, तो दोनों गाड़ी को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के 8:20, और अभी आपका भाई जाके आया, पीछे की साइड में गांव था वहाँ पे, वहाँ से लेके आया गाइज दो दूध की थैली, एक तो इधर वाले जेब में, एक इधर वाले जेब में। और अब चलते पार्किंग में, हमारी गाड़ी वहाँ पे ही खड़ी है दोस्तों। पार्किंग से लमसम आपका भाई आ गया 1.5 किलोमीटर दूर। सामने वाला जो घुमाव दिखाई दे रहा है, उस घुमाव से राइट हैंड होना दोस्तों। उस साइड में कंपनी भी आ जाएगी और हमारी गाड़ियों की पार्किंग भी उसी साइड में दोस्तों। यहाँ की मतलब नौकर दुकान पे चाय पीने का कोई मतलब ही नहीं रहता है सच्ची में। तो इसलिए ना आपका भाई दो दूध की थैली लेके आया, चाय बना के पियेंगे। और कल ही गाड़ी में चाय बना के पी थी आपने दोस्तों, देखा होगा कल वाले वीडियो में। मतलब कल है ना, हम मतलब लास्ट में खाना वाना बना के गाड़ी में खा रहे थे दोस्तों। दाल बाटी बना के खाई थी कल। आज क्या विचार होता है, कब तक मतलब हमारी गाड़ी को अंदर लेते हैं क्या मामला। पहले तो चलते हैं, आपको कंपनी भी दिखाएंगे और पार्किंग में चलते हैं फटाक से। मैं दोस्तों वो कंपनी देखो, वो जो 2 नंबर गेट दिखाई दे रहा है, बस उसी कंपनी में हमारी गाड़ी खाली होगी। और उस साइड में 1 नंबर गेट, और दोस्तों यहाँ से पार्किंग है ना, पार्किंग जाने के लिए ये रहा बस यहाँ से रास्ता। ये गाड़ी है, इस गाड़ी के थोड़ा सा इधर की साइड में रास्ता है। बोला आप मतलब खुद देखोगे ना, पार्किंग में जाने के लिए मतलब इतना खतरनाक गंदा हो रखा है। और जैसे अब हम पार्किंग में खड़े और हमारे को पीने के लिए पानी वानी चाहिए, तो देखो यहाँ पे नल, यहाँ पे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। देखो और भाई दोस्तों मतलब बहुत कठिनाई भोगनी पड़ती है। आप हंसी देख रहे हो ना, ये हंसी के पीछे बहुत कम छुपा हुआ रहता है, रखनी पड़ती है हंसी, हमारा काम यही है। और अब आप मतलब एक सेकंड में आपको ये रास्ता दिखा देता हूँ जाने का। अब ये देखो आप दोस्तों, एक देखो राजस्थानी टेलर इधर खड़ा है, एक ये रहा, और ये गाड़ी और भी रात को नहीं आई है, और दो गाड़ी पहले से उधर खड़ी है, 2-3 दिन से आके खड़ी हुई है वो तो। और आपका भाई मतलब आपकी गाड़ी के पास पहुँचने वाला है बहुत जल्द, 1-2 मिनट लगेगी। और देखो वो गार्ड आ गए, वो सबको उठा रहे हैं, गाड़ियों सबको साइड में करवा रहे यहाँ से दोस्तों। देख लो आपका भाई आया पानी लेने के लिए। खैर वो रहा देखो सामने कंपनी का गेट, 2 नंबर गेट, मैंने बताया था मेरे को पूरा पानी यहाँ से लेके जाना पड़ता है दोस्तों। ऐसे थोड़े है, मैं बताऊंगा नहीं तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करो यार। भाई कर लो यार, सब्सक्राइब करने से क्या जाता है यार, एक छोटा सा सब्सक्राइब ही तो करना है। कर दो। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो की तरफ आगे चलते और पहले यहाँ से पानी की बाल्टी लेते हैं, गाड़ी में ले चलते हैं दोस्तों। एक तो दूध की थैली काम में ले ली, और एक पड़ी है साइड में इस थैली को है ना, ये जो बाल्टी भर के लेके आया ना अभी आपको भाई, इस बाल्टी में पटक देंगे ना तो ये ख़राब होगी। इसकी चाय बना लेंगे 11:30, 11:12 बजे के लमसम, ठीक है। और अभी के लिए ये चाय हो जाएगी हमारे 3 आदमी के लिए। तो किया गाड़ी को स्टार्ट शुरू थोड़ा सा, ये देखो अभी तक हमारी गाड़ी नहीं है, 14,800 किलोमीटर निकाले अभी तक, दिखाई दे दिए मीटर को पीछे देख लो, वो गाड़ी अभी तक वहाँ पे खड़ी है। और ना अभी तक हमारा कोई सैंपल वगैरह लेके गए, वो सिर्फ 4 बार बना के पी लिए। अभी फिलहाल में चल रहा है एक्स्ट्रा दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 10:20, और दूसरी चाय बनाने की तैयारी हो गई ने लग गई। ये देखो चाय पत्ती निकाला, चाय पत्ती पहले वाली ख़त्म हो गई थी, गैस निकला, जल्दी आग लगाई, बदबू आने लग गई गाड़ी में गैस की। 2 थैली लेके आया था, एक की पहले चाय बन गई और एक की अब चाय बन जाएगी, दोनों ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब पूरे दिन बैठे रहो आराम से दोस्तों। चाय बन के रेडी हो गई, और वो आ रहे पार्टी वाले और शैम्पू लेने के लिए, तो इसलिए उनके लिए भी थोड़ा बहुत चाय रखा है इसमें देखो है, और हमारे 3 के लिए हो गई। देखो कितनी चाय, इतनी चाय थोड़ी पीनी चाहिए। चाय वाय तो कब की पी ली हमारे सेठ जी, और साथ वाले ड्राइवर तो बाहर गए घूमने के लिए,
और दोस्तों सैंपल लेने वाले अभी तक आए नहीं है, और आपका भाई खा रहा है खाना, देख लो किस में खा रहा है। वो जो दोस्तों हम रोटी वोटी बना के रखते हैं थर्मस, उस थर्मस में खा रहा है दोस्तों। इसमें वही है रात वाली बाटी दाल, बढ़िया मज़ा लेके खा रहा हूँ आज, वो आप भी खा लो। आपके भाई ने खाना आना खा के और टिप्पन को धो के रखा, और ये आ गए सैंपल लेने के लिए। पहले सैंपल चेक करवा देते, तो हमारे जो साथ वाले हैं उनको बुलाते हैं पहले, तो गाड़ी के फाटके वाटके बंद करते हैं, थोड़ा तिरपाल खोलना पड़ेगा। दोस्तों सैंपल लेने वाले आ गए, उधर देखो वीडियो बना रहे हमारा गाड़ी का, और ये कट्टे में काट रहे थे चक्कू से। दोस्तों हमारी हालत बहुत बुरी खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बताऊँ, पसीना देख लो चेहरे पे। और उस गाड़ी का तो सैंपल ले लिया, मेरी गाड़ी का काम चालू है सैंपल लेना। तो देखो पन्नी उखाड़ा है, उस पन्नी में थोड़ा थोड़ा पाउडर लेंगे, और फिर इनकी जो कंपनी है ना उस कंपनी में ले जाके इस पाउडर को चेक करेंगे। ये देखना उस पन्नी में डालेंगे, वो डाल लिया एक एक बोरी से ने, इतना इतना सैंपल लेंगे। दोस्तों सच्ची में ना सांस उठने लग गया मेरा तो, हाँ बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई। अभी तो इस तिरपाल को वापस करना है गाड़ी पे, बारिश भी आ सकती है, मौसम देखो ऊपर कितना खतरनाक हो रखा है। अब देखो पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। दोस्तों एक पन्नी तो फुल हो गई, ऐसे निकालेंगे। देखो दोस्तों अभी तक पूरा सैंपल लिया नहीं, दोस्तों एक एक बोरा कर करके ले रहे सैंपल, और आपके भाई की हालत देख लो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों अब भी आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फिर कोई मतदान किसी मतलब नहीं है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 2:10, और इस साइड में थी नहाने धोने की सुविधा, हम लोग नहा धो के आ गए। आपका भाई तो नहा लिया, और मेरे जो ड्राइवर वाले वो मेरे से पहले ही नहा के चले गए थे, और दोस्तों सैंपल तो लेके चले गए, पता नहीं सैंपल कब तक पास होगा। और भाई इतना चिल्ड पानी है ऊपर, देखो पेड़ की छाई, भाई मज़ा आ गया नहाने का। दोस्तों आपका भाई नहा धो के आ गया, और इधर देखो पीछे की साइड में सूख रहे कपड़े यहाँ पे, और गाड़ी में फैन चालू है। दोस्तों मतलब तिरपाल फिर से कर दिया था, और इसका रस्सा वस्सा है ना ये देखो नीचे की साइड में पड़ा है यहाँ पे। एक बार आपको इधर से दिखा देता हूँ, इधर से जाली लगाई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये जाली बहुत मस्त तरीके से लगाई हुई है, मतलब है ना चोरी वोरी नहीं होती, और रात में उस साइड में भी देखो जाली है, इस साइड में भी जाली है, मतलब गाड़ी लॉक कर देना तो शीशा ही फोड़ सकते हैं ओनली फॉर, मतलब हाथ नहीं डाल सकते अंदर से। और ये देखो इस साइड में रस्सा वस्सा पड़ा है, और जो बेल्ट थे ना बेल्ट तो मैंने टूल के अंदर रख दिए। और दोस्तों नहाने धोने की सुविधा सच्ची में बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया भाई, इतना ठंडा पानी था और ऊपर से छाया उठ थी पेड़ की। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:30, और आपका भाई बना रहा चाय। दोस्तों देख लो अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, सूरजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने चारों साइड देख लिया, मेरे किस साइड भी सूरजी की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे मतलब लास्ट 5:45 तो लास्ट टाइम होता है, अंधेरा पड़ने लग जाता है। देख लो अंधेरा पड़ने की कंडीशन हो गई है 10-15 में, तो बिल्कुल कैमरा क्वालिटी देना बंद कर देगा। और आपका भाई जहाँ से मतलब सुबह सुबह दूर लेके आया था उससे आगे जाके दूर लेके आया हूँ, अब की बार बहुत टाइम लगा दूर लेके आया, लमसम आधा घंटा मेरे को जाके आने में लग गया। चलो इसमें दूध नापते हैं, पत्ती और पानी तो अच्छा उबल गया, अब इसके अंदर दूध डाल देते हैं। दोस्तों चाय वाय बना के पी लिया, और ये फिर से है ना रस्सा तिरपाल फिर से करना पड़ेगा, देखो सुबह सुबह खोला था और अब वापस करना पड़ेगा। दोस्तों आपने मतलब वीडियो तो देखा ही होगा भाई, कितनी हम गर्मी से भीग गए थे, और दोस्तों हमारी गाड़ी का सैंपल फेल हो गया, तो मतलब फिर से ये जो रस्सा तिरपाल है ना ये फिर से करना पड़ेगा, मतलब रस्सा रस्सा नहीं बंधा हुआ, तिरपाल तो किया हुआ है। दोस्तों रस्सा बांध दिया फिर से, और जितने भी बेल्ट थे ना पहले बांधे हुए वो सब टूल में मेल दिए, और वो हमारी दूसरी गाड़ी उसके भी बांध दिया। दोस्तों मतलब दोनों गाड़ी का सैंपल फेल हो गया, तो दोनों गाड़ी को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ से कम दोस्तों 700 गाड़ी को वापस लेके जाना पड़ेगा गांव की तरफ, उस साइड में गाड़ी लेके जाएंगे झारसूपड़ा साइड में। चलो पहले तो गाड़ी में बैठते हाथ मुँह धो के आए, कपड़े से साफ करते। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:40, और हम कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये आ गई अशोक लीलैंड का लोगो आ गया दोस्तों, और अब नो एंट्री खुलने वाली है,
यहाँ से निकलना है। दोस्तों जैसे नो एंट्री खुली सब गाड़ियाँ टूट पड़ी रोड पे, आगे पीछे हर जगह देख लो, पीछे तो शायद तक एक डेढ़ किलोमीटर पीछे तक जाम लग गया होगा। आगे वो जो लाइटें दिखाई दे रही है दोस्तों, उस लाइटें दूर ही चलना है, फिर वहाँ से हमारे को ड्राइवर साइड लेना है। ये दोस्तों वही नदी है जो पटना होते हुए निकलती है गंगा जी वाली, ये देखो बहुत पानी है, पर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो पटना में ब्रिज बनेगा ना दोस्तों, ऐसा ही ब्रिज बनेगा देखिए। अब यहाँ पे तीन चार ब्रिज बनाए हुए, इधर देखो ट्रक चलने के लिए, उसके उधर कार वार, और इसके उधर वो जो बड़े बड़े रेलिंग टाइप में दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर से निकलती है ट्रेन। और इतना ज़्यादा पानी है क्या बताऊँ, तो आप खुद देख लो ना, यहाँ से वो डायरेक्ट पटना जाती है। दोस्तों दिल्ली के लिए तो बिल्कुल सीधा। दोस्तों जहाँ पे गाड़ी रोक रहे ना, जिस भी पार्किंग में या रोड के साइड में, हर जगह मतलब इतनी गाड़ियाँ खड़ी है क्या बताऊँ, यहाँ पे मतलब जगह नहीं है, मतलब पार्किंग में गाड़ी रोक के सो सके, तो ना होटल वालों के पास यहाँ पे जगह है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़मीन है ना, उनकी ज़मीन ही कम है। वैसे हमारे तो देखो 40 एकड़ 50 एकड़ ऐसे ज़मीन रहती है, यहाँ पे तो 1 एकड़ मुश्किल से मिलेगा एक आदमी के। और अब दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:10, और इस साइड में थी टपरी, चाय वाय पी के आए। और दोस्तों यहाँ पे आ रखी है बहुत शानदार तरीके से धूर, सच्ची में दोस्तों यहाँ पे धूर आ रखी है। सर्दी के मौसम में आती है, दिसंबर में जनवरी में धूर आती है, मतलब यहाँ पे तो देखो कुछ मौसम ही अलग हो रखा है, दिन में होती है। तो दोस्तों उस पाउडर को लेके वहाँ से निकल गए, कम से कम 50 किलोमीटर निकाल दिए, और ये पाउडर लेके जाएंगे दूसरी जगह। तो दोस्तों कम से कम 700 किलोमीटर का सफ़र है ये, फिर से यहाँ पे गाड़ी रोक के इसलिए सो रहे हैं। दोस्तों नींद तो नहीं आ रही है क्योंकि गाड़ी में डीजल नहीं है, और अभी केस वेस आया नहीं है, तो सुबह डलेगा तो सुबह करेंगे बाकी का सफ़र डीजल वीजल भरा के। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया, गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। सिंपल तो आज फेल हो गया।